तो फिर उसको आप उस शिक्षक को अन्यत्र स्थानांतरण कर देंगे। ले लीजिए ना, आपका तो मुख्य पर्पस है, सरकार का मुख्य पर्पस है बच्चों को उन्नत बनाना, गांव गरीब किसान, ये क्या है? अच्छा, जो शिक्षक जाने में ही हरास हो जाएगा 100 किलोमीटर कि पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया, हमारा सिलेबस पूरा हुआ कि नहीं, अभी अगवाव हो गया है महोदय स्कूल में, आप नियंत्रण करेंगे खाली ऐप बना के स्कैंडल करने के लिए, अपना अपना टीआरपी बनाने के लिए, इसलिए महोदय। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। बिहार विधान परिषद राज्य सरकार से प्रस्ताव करती है कि वह स्थानीय निकाय स्थानीय माइक ठीक करो भाई, निकाय के शिक्षकों को सक्षमता, नवल जी के टाइम में विशेष रूप से खराब हो जाता है महोदय, इसीलिए तो हम आपसे आग्रह किए हैं कि इसका एम्पलीफायर बदलवा दीजिए, सब चीज पुराना हो गया है न। ठीक, शिक्षकों के सक्षमता परीक्षा उत्तीर्णता के आधार पर विशिष्ट शिक्षक के रूप में स्वैच्छिक ऐच्छिक स्थानांतरण का लाभ देते हुए विभागीय नियमावली 2020 की कंडिका 14 का अनुपालन सुनिश्चित करें। महोदय, ये तो कोई मामला नहीं था, राज्य सरकार ने घोषणा किया कि हम जो नियोजित शिक्षक हैं उनको हम अब स्थायी करना चाहते हैं। आप बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, जो आपने मापदंड तय किया उस मापदंड पर शिक्षकों ने आपके आदेश पर परीक्षा दिया, आपने यह नहीं कहा था कि आपको हम पटना से उठा के कटिहार कर देंगे, आपका कहीं से यह घोषणा नहीं था। महोदय, जब कोई आदमी 20 वर्ष तक 15 वर्ष तक 16 वर्ष तक एक स्कूल में काम कर रहा है, वहां के परिस्थितियों से वो अवगत है, वहां के बच्चों से अवगत है, वहां के बच्चों के अभिभावकों से अवगत है, वहां के इंफ्रास्ट्रक्चर से अवगत है, तो फिर उसको आप उस शिक्षक को अन्यत्र स्थानांतरण कर देंगे तो फिर उसको 5 साल 7 साल वहां एडजस्ट करने में लगेगा। वहां के, आपको मैं एक बात याद दिलाना चाहता हूं सभापति जी, एक बार 437 धारा लगा के लालू जी के राज में सारे शिक्षकों को प्रमंडल से स्थानांतरण कर दिया गया, 95 में सारा स्कूल चरमरा गया। उसका कारण यह था कि पहले जो शिक्षक जहां पढ़ाते थे वर्षों से, वहां के बच्चों को भी जानते थे और बच्चों के अभिभावक को भी जानते थे, स्कूल को भी जानते थे, नजर दिखा के भी और कलम चला के भी वो नियंत्रण करने का वो जिम्मा लिए थे, हमारा स्कूल नियंत्रित था। पुनः जब सारा स्कूल चरमरा गया तो फिर इसी सदन में हम लोगों के आग्रह पर वो वापस हुआ 437, और तब कुछ स्कूल सुदृढ़ हुआ। उसके बाद एनडीए के सरकार ने एक तत्काल नियोजित शिक्षक के नाम पर उसको नियुक्ति किया महोदय। तो अब उसको स्थानांतरण अन्यत्र, आप पढ़ाई की बात नहीं करते, कोई अधिकारी पढ़ाई की बात नहीं करते, सिर्फ छुट्टी कटौती की बात करते हैं, स्कूल में टीचर पहुंचा कि नहीं इसकी बात करते, कोई सिलेबस की बात नहीं करते, कोई गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात नहीं करते, कोई बच्चों की IQ टेस्ट करने के लिए सर्वेक्षण नहीं करने जाते हैं, सिर्फ शिक्षक के सर्वेक्षण करने जाते हैं। आप जब शिक्षक के सर्वेक्षण करने के लिए भेजते हैं तो जरा बच्चों का भी IQ टेस्ट ले लीजिए ना, आपका तो मुख्य पर्पस है, सरकार का मुख्य पर्पस है बच्चों को उन्नत बनाना, गांव गरीब किसान मजदूर जो डाउन ट्रोडन के बच्चे हैं, कोई अच्छे लोगों के बड़े लोगों के बच्चे तो आपके यहाँ पढ़ते नहीं है, उसको आप उन्नत बनाना चाहते हैं तो आप उस पर मॉनिटरिंग नहीं करते हैं, आपके अधिकारी
आलतू फालतू का एक स्कैंडल खड़ा करते रहते हैं। महिलाओं को आपने जो पोस्टिंग कर दिया यहां से एक जिला से चार जिला पार करके 500 किलोमीटर दूर पर, अगर पटना में हुआ तो पटना से महिलाओं को कर दिया 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर दूर पर, ये क्या है? अच्छा, जो शिक्षक जाने में ही हरास हो जाएगा 100 किलोमीटर, वो पढ़ाएगा क्या? ये मजदूरी का काम करना है, ये ब्रेन का काम करना है, ब्रेन ड्रेन करने वाले लोग हैं। इसलिए सरकार को और अधिकारियों को एक मंसूबा रखना चाहिए कि शिक्षकों से इनका कोई झगड़ा नहीं है, शिक्षकों से, शिक्षकों को प्रताड़ित करने के दृष्टिकोण से शिक्षा नहीं चलता है। शिक्षा स्कूल को बेहतर करने से, शिक्षक को बेहतर करने से चलता है। इसलिए महोदय, और जो 2020 में इनके नीति बने हुए हैं उसके कंडिका 14 का हम अनुपालन चाहते हैं, और हम चाहते हैं कि महिलाओं का और जो ये शिक्षक जिनको अस्थाई कर रहे हैं बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के माध्यम से, उसको ऐच्छिक स्थानांतरण करते भी हैं तो आप ऐच्छिक स्थानांतरण करें, ताकि आपको जो आज ऐप से मॉनिटरिंग कर रहे हैं, पहुंचा कि नहीं पहुंचा, पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया, ये मॉनिटरिंग नहीं करते हैं। आप मॉनिटरिंग कीजिए कि पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया, हमारा सिलेबस पूरा हुआ कि नहीं। अभी अगवाऊ हो गया है महोदय, स्कूल में बच्चा नामांकन प्लस टू में लिया नहीं, और उधर से बोर्ड से आ गया क्वेश्चन और कॉपी की परीक्षा किसका लेगा? जब आपने नामांकन नहीं लिया, आपने नामांकन का नहीं निकाला, तो किससे ले लेगा? सिर्फ क्वेश्चन कॉपी छपवा के कमीशन खाने के दृष्टिकोण से आप स्कूलों को थोपना चाहते हैं। आप महीना में एक बार आप परीक्षा लेना चाहते हैं, उसका फलाफल क्या है इसको किसी ने देखा? परीक्षा हुआ कि नहीं हुआ, परीक्षा में कौन बच्चे कैसे किए, आपका क्वेश्चन क्या था? आप क्वेश्चन 5 दिन पहले ही भेज देते हैं स्कूल में, टीचर उसको 3 दिन तक कॉपी लिखवाते हैं। तो आप इसको नियंत्रण नहीं करेंगे, आप नियंत्रण करेंगे खाली ऐप बना के स्कैंडल करने के लिए, अपना अपना टीआरपी बनाने के लिए। इसलिए महोदय, आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करता हूं कि जो आप अभी बता रहे थे कि आपने कमेटी बनाई है स्थानांतरण के लिए, तो आप वैसे इन शिक्षकों को जो जहां हैं, जो जहां रहना चाहते हैं, ऐच्छिक स्थानांतरण करें, और महिलाओं को तो निश्चित रूप से ऐच्छिक स्थानांतरण में लाके हेडक्वार्टर के नजदीक रखें, ताकि बेटी और बहनों को कोई कठिनाई नहीं हो सके। ठीक, माननीय मंत्री। माननीय सभापति महोदय, अभी हमने जो बात पहले भी बताई कि जो नियमावली 2023 बनी है और उसमें हमने एक जो कमेटी बनाई है, माननीय सदस्य की चिंता है कि उसमें महिलाओं को, दिव्यांगों को या हस्बैंड वाइफ की टीम हो और उनको नज़दीक से नज़दीक पोस्टिंग दी जाए, सबका ख्याल रखेंगे। लेकिन ये सदस्य का कहना कि सरकार की चिंता नहीं है शिक्षा के बारे में, तो आप जब से माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिम्मेवारी संभाली है, आप उस वक्त का और आज का फिगर देख लें कि जो स्कूल में कितने बच्चे जाते थे गरीब के या सभी वर्ग के, आज जो प्रोत्साहन राशि दी जाती है, जो मेट्रिकुलेशन का रिजल्ट होता है जिसमें, या इंटर का रिजल्ट होता है, उसमें 50% से ज़्यादा बच्चियां रहती हैं, बालिकाएं रहती हैं, और जो ड्रॉपआउट का जो रेट है उसमें भी बहुत कमी आई है। तो अनुश्रवण निश्चित रूप से हम लोग कर रहे हैं, और सिर्फ टेक्नोलॉजी के ख्याल से नहीं। और जो आपने क्वालिटी की बात कही माननीय सदस्य ने, तो एक दक्षता क्लास हम इसीलिए ले रहे हैं कि इसका अनुश्रवण हो सके कि जो क्लास में जो बच्चे हैं जो और बच्चों के बराबरी नहीं कर पाते हैं, इसलिए दक्षता कक्षाएं उनके लिए जा रही हैं कि सभी बच्चे, क्योंकि वो बाहर कोचिंग अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, जो बच्चे क्लास में अच्छा नहीं कर रहे हैं और बच्चों से पीछे हैं, तो दक्षता जो क्लासेस ले रहे हैं इसलिए कि वो भी अपने क्लास के बराबर आ सके। तो कुल मिलाकर शिक्षा में निश्चित रूप से बहुत गुणात्मक सुधार आए हैं,
छात्रों की भी संख्या बढ़ रही है, महिलाओं की भी संख्या बढ़ी है, जो पोशाक योजना, साइकिल योजना सभी तरह से फायदे हुए हैं, और जो मैट्रिक के बाद जो स्कॉलरशिप, जो प्रोत्साहन राशि दी जाती है इंटर के बाद, ग्रेजुएशन के बाद, ये सब शिक्षा में काफ़ी सहायक हुई है, स्कूली शिक्षा में भी काफ़ी सुधार हुआ है। लेकिन माननीय सदस्य के जो वाजिब बातें हैं कि हम इनका ख्याल रखें अपने शिक्षकों का, तो मैं आपको अपने तरफ से आश्वस्त करना चाहता हूं कि आपने देखा होगा कि जो शिक्षकों के प्रति या यूनिवर्सिटीज के प्रति जो एक टग ऑफ वॉर था, जो रस्साकशी थी, उसमें तो निश्चित रूप से कमी आई है। आप इसको मानेंगे कि जो जिस तरह का टेम्परेचर था उसमें तो कमी निश्चित आई है। तो हमारे इरादे भी बिल्कुल नेक है, लेकिन हम लोग डिसिप्लिन के साथ निश्चित रूप से जहाँ तक हो सकेगा उनके जो भी सुविधाएं हैं, जहाँ तक हो सकेगा डिसिप्लिन को रखते हुए, और ये भी देखना होगा कि किस स्कूल में कितना वैकेंसी है, ये सभी को ख्याल में रखते हुए हम लोग पोस्टिंग्स करेंगे, और यथासंभव हम लोग प्रयास करेंगे कि उनकी जो भी समस्याएं हैं उसको दूर कर सकें। हमें माननीय सदस्य से हम अनुरोध करेंगे कि अपना संकल्प वापस लें। के बारे में ये सक्षमता परीक्षा आयोजित की गई, या वैसे स्थानीय निकाय के शिक्षक जो बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा की परीक्षा में उत्तीर्ण हुए, वैसे सारे शिक्षकों के सेवा काल का टाइमलाइन फिक्स किया जाए। मंत्री महोदय जैसा कह रहे हैं, एक उच्च स्तरीय समिति बनी है, हम लोग भी देख रहे हैं, चूंकि माननीय सदस्य कह रहे थे दो संकल्प आया था स्थानांतरण और पदस्थापन के बारे में, तो उसमें एक फिक्स कर दे जिनकी सेवा 10 वर्ष हो गई है, 15 वर्ष हो गई है, ऐच्छिक और स्वैच्छिक अगर हो जाएगा तो सारी बीमारी मिट जाएगी। दूसरी बात, शिक्षक सहज रहेंगे तब वो अध्यापन कार्य करेंगे, सहजता अगर उनको नहीं रहेगी तो वो अध्यापन कार्य नहीं कर सकेंगे महोदय। तीसरी बात, जो मंत्री महोदय ने कहा, जो शिक्षक और शिक्षिका पति पत्नी, मैं उसमें एक सुझाव देना चाहता हूं, लेकिन सुझाव भी मंत्री महोदय आपको दिया है, अगर किसी भी सरकारी सेवा में पति या पत्नी कोई में से एक शिक्षक हो और दूसरे किसी सरकारी सेवा में हो, जो आपके कार्मिक विभाग की नियमावली भी कहती है, उसको भी उसमें इंगित करें, तो ये जरूर करना चाहिए। अगर ऐसा नहीं किया जाएगा तो वो संभव नहीं होगा। और दूसरी बात, जो परीक्षा के बारे में माननीय सदस्य कहे, मुझे लगता है इसके पहले छमासी परीक्षा का प्रावधान था। महोदय, महीने महीने परीक्षा कौन देता है, ये हंसी हास्य का विषय। भले देख ले मंत्री महोदय धरातल पर अपने ही क्षेत्र में 10 विद्यालय को देख ले, वो छमाही परीक्षा होनी चाहिए। सर, पढ़ाई होगी ना, परीक्षा इसीलिए पहले हम लोग देते थे छमाही बरमाही, टेस्ट होता था, टर्मिनल होता था, लेकिन ये प्रत्येक महीना परीक्षा। और महोदय, इसको समाप्त कीजिए महोदय, एक मिनट बस महोदय, परीक्षा का प्रश्न आउट हो जाता है, इसमें कौन सी परीक्षा है बताया जाए, परीक्षा का प्रश्न आउट पहले ही हो जाता है, 5 दिन 10 दिन पहले ही बोर्ड से चला जाता है। महोदय, ऐसी परीक्षा नहीं दी जाए, ऐसी परीक्षा नहीं। महोदय, बस इन्हीं सुझावों के साथ, क्योंकि माननीय मंत्री महोदय ने कमिटी बनाई है या देख रहे हैं शिक्षा विभाग को, तो निश्चित रूप से संवेदन सारे विषयों पर विचार करेंगे। मंत्री जी, आप इन्होंने आग्रह किया है, आप इसको वापस लीजिए। मंत्री ने आग्रह किया है तो हम लोग भी माननीय मंत्री से आपके माध्यम से आग्रह ही कर रहे हैं कि शिक्षक आपके दुश्मन नहीं, मूल स्रोत शिक्षक हैं, शिक्षा का मूल स्रोत शिक्षक है, तो आप उसको हर हाल में ऐच्छिक स्थानांतरण, स्वैच्छिक स्थानांतरण, और एक हमारा लाइन है कि 2020 की कंडिका 14 का अनुपालन करें। आप सारे चीजों को देख के, आपने कहा कि पहले से हमने राज्य सरकार को संतुलित किया है, अब उस तरह का एक स्कैंडल नहीं हो रहा, निश्चित रूप से हो रहा है, मैं हम लोग भी स्वीकार करते हैं, ठीक है, इसको आगे मत, लेकिन महोदय आगे नहीं बढ़ा रहे, आपके माध्यम से आग्रह कर रहे हैं कि अगर बेहतर शिक्षा देना है, शिक्षा को चलाना है, तो स्थानांतरण हर हाल में ऐच्छिक और स्वैच्छिक करें, महिलाओं को हेडक्वार्टर और कम्युनिकेशन के जगह पर करें, दिव्यांगों का करें। अगर ऐसा नहीं हुआ महोदय, तो शिक्षा को आप
हंटर भांगते रहेंगे, आप ऐप पर बनवाते रहेंगे, आपके यहाँ से लोग जाएंगे, वहां से एक एक हजार रुपया 5-5 सौ रुपया लेके वहां काम फिट हो जाएगा। इसलिए हम चाहते हैं कि राज्य सरकार जो चाहती है बिहार के शिक्षा को उन्नत बनाना, वो बनाने का यह सबसे बड़ा जरिया है कि आप शिक्षक को प्रसन्न रखें। महोदय, यही माननीय मंत्री से हम जानना चाहते हैं। तो वापस ले रहे हैं ना? तो वापस तो लेने करेंगे, कहां जाएंगे? ठीक, लेकिन माननीय मंत्री से आश्वस्त तो कराइए महोदय। देखिए, एक 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 माननीय मंत्री जी, एक मेरा आग्रह है, यहाँ पर इस सदन में ना बैठे ना हम कर रहे हैं। ये सदन जो है, ज्यादा से ज्यादा शिक्षा का प्रश्न यहाँ पर आता है, तो कभी भी एक अपने सुविधा अनुसार माननीय सदस्यों के साथ बैठ करके और किस समाधान की दिशा में कुछ राय बात लीजिएगा। सभी लोग बहुत ही ये लोग अनुभवी हैं, और अनुभवी है तो इनके अनुभव का लाभ डिपार्टमेंट को भी मिले, और ये लोग जो सोचते हैं अपने लोगों को भी जाकर कहेंगे कि आपके लिए समाधान के लिए हम लोग ट्राई कर रहे हैं। यही मेरा आग्रह है। हाँ, जब भी साधन चलते समय तो नहीं हो सकता है। हाँ, कभी समाप्त होगा, देखिए रखिएगा, एक तो ध्यान रखिएगा, ठीक है? उसको वापस लिया गया। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी, तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी, तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली, 9386816।